देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, करीब 3 दिन पूर्व थाना परतपुर क्षेत्र के कस्बा परतपुर में एक ओम प्रकाश सिंह नाम के कुछ व्यक्तियों द्वारा रंजिशन और निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके संबंध में थाना परतपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी चंदन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। उसी क्रम में जो वांछित अभियुक्त थे उनकी तलाश हेतु कई टीमें लगाई गई थी। उसके क्रम में कल देर रात एक आरोपी हत्यारोपी रोहित सिंह वो पुलिस के मुठभेड़ में घायल हुआ था, जिसे पुलिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसमें जो मुख्य हत्यारोपी था लल्लन सिंह उर्फ उदय भान सिंह, इसके ऊपर इसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रूपये का इनाम घोषित किया गया था। आज हमारी टीमों द्वारा जब उसको घेराबंदी का प्रयास किया गया सूचना पर उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई और आत्मरक्षा की गई जवाबी फायरिंग में पुलिस की लल्लन सिंह को जो मुख्य हत्यारोपी है उसको गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ है। उसे इलाज हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया है। उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा कोखा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है और इस संबंध में थाना परतपुर द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 अभियुक्त अभी शेष हैं और हमारी टीमें उन पर लगी हैं। किसी भी वक्त जल्द से जल्द उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। क्या ये पूरा परिवार नामजद था? देखिए, ये पिता है, इनके 3 पुत्र हैं और एक मेन इनका खास आदमी रोहित सिंह। कुल 5 लोग इसमें जो है, 4 नामजद थे, 1 का अज्ञात में था। इस प्रकार कुल 5 अभियुक्त थे, जिसमें से 3 इस मुठभेड़ के उपरांत अकाउंट पर हो चुके हैं। शेष 2 अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस मुकदमे में हमने फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन कर जल्द से जल्द चार्जशीट की कार्रवाई होगी और उसके बाद ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इसमें मेरे स्वयं के स्तर से पैरवी करते हुए इनको जल्द से जल्द सजा दिलाने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा। ये भाजपा के सभासद भी हैं? देखिए, इसके संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं है, वो वेरीफाई करके हम उस पर कुछ टिप्पणी कर पाएंगे। लल्लन सिंह के ऊपर और कितने मुकदमे दर्ज? देखिए, पूर्व में भी इसके विरुद्ध मारपीट के और गुंडा अधिनियम आदि के मुकदमे पंजीकृत हैं और इनके विस्तृत आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। सर, जो पॉक्सो का मामला था, क्या उसको भी दोबारा से लगा है? देखिए, संज्ञान में आया है कि एक पॉक्सो का इनके विरुद्ध मामला था जिसमें FIR पेश की गई थी, तो माननीय न्यायालय को रिपोर्ट भेजी जा रही है और इनके परिवार की तरफ से भी इसमें प्रोटेस्ट दाखिल किया गया था। उसकी हम नए सिरे से अग्रिम विवेचना करेंगे। क्या जिस परिवार में हत्या हुई उनको कुछ सुरक्षा भी देंगे? बिल्कुल, उनकी सुरक्षा का सारा प्रबंध पुलिस करेगी और हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। इस मुकदमे की पूरी पैरवी, फास्ट ट्रैक कराना, अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना और परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये हमारा काम है और हम इसे करेंगे।